Live a Little Vlogs. So, hey guys, welcome to my new vlog. और आज हम जा रहे हैं ऋषिकेश इनकी मौसी के यहाँ. और भूवी तैयार है, मैं भी तैयार हूँ. हम सब ने आज ब्लैक ब्लैक पहना है, तो इसके पापा थोड़े अलग हो गए, उन्होंने डार्क ब्लू पहन लिया. तो वो चलो छोड़ो. मगर आज हमने ब्लैक ब्लैक इसलिए पहना है क्योंकि आज है संदीप का दिन, और हमने सोचा कि जो हमारे पास एक जैसा ब्लैक ब्लैक है तो हम क्यों ना ब्लैक ब्लैक पहने. और बस अब हम निकल रहे हैं, हम सब रेडी हैं और माची तैयार हो रही है, बस उसके बाद हम निकलेंगे. बोलिए. सो बस हम यहाँ पे पहुंच गए हैं. रास्ते की वीडियो में नहीं बना पाई क्योंकि बहुत जल्दी में निकले थे. चलो बुआ, चलो उतरो, उतारो मैं इसको. यहाँ पे पार्किंग मिलने की बड़ी दुविधा होती है क्योंकि ऋषिकेश में तो आप जानते हैं छोटी छोटी गलियां हैं. जो लोग ऋषिकेश में रहते हैं उनको अच्छे से पता है कि ऋषिकेश की गलियां बहुत छोटी छोटी सी हैं. तो बैग शैग निकाल लिया है, तब हम जाते हैं. चलो लेट्स गो बुआ, लेट्स गो. चलो तो ये है चंद्रभागा के साइड और ओमकारा स्कूल के जस्ट साथ है हमारे मौसी जी का घर. अब ऐसे हम वहाँ जा रहे हैं. इन्होंने एक महान काम कर लिया है. चलते चलते इन्होंने यहाँ पे चाबी गिरा दी. मैं आपको दिखाती हूँ. इधर हमारे थे वो, देखो चाबी दिख रही है. गाड़ी की चाबी इसके अंदर निकाल दी, डाल दी. और अंकल जी भी बेचारे यहाँ प्रयास कर रहे हैं ऑटो वाले, और हम देख रहे हैं क्या कर सकते हैं. मैं घर से ना वो लेके आती हूँ तार. चलो बुआ. हम सोच रहे हैं कि हम घर से जो मौसी जी का घर है वहां से एक तार लेके आते हैं, जिसको हम मोड़ मारते हैं, उसमें एक बू बना के फिर हम उस चाबी को निकालने का प्रयास करेंगे. और फिलहाल मैं जाती हूँ, लगे हुए हैं वहां पे. लेकिन अभी मैं जाके उनसे ज़्यादा तार तूर का इंतजाम करती हूँ. आते ही मुसीबत पड़ गए. चलो 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 चलो. यू इसका वो निकलेगा बीच वाला, नहीं है बीच वाला. हाँ ये ऐसे अब निकलेगा वो हाथ से ऐसे. तो फाइनली चाबी निकल गई है. याद है कि हमारे अधिकारी साहब जिन्होंने स्वयं ये चाबी निकाली है. भूवी ने यहाँ पूरा पूरा का पूरा बाजार फैलाया हुआ है. ये देखिए भूवी का चालू हो गया अपना. उसने निकाले उसके खिलौने उसके भाई के और शुरू हो गई. भूवी क्या कर रहे हो आप? वेरी गुड, बनाओ बनाओ. जी के यहाँ खाना पीना खा के हम लोग निकल गए हैं घूमने के लिए, मैं और दिव्या जी, क्योंकि हम बहुत बोर हो रहे थे और हम कुंवारी ने सोचा कि आज हमारा कुछ ट्रिप हो जाए घूमने का. आप बस घूम रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल वॉक डिस्टेंस में जानकी सेतु है, तो बस हम वहीं जा रहे हैं. उसके बाद देखते हैं हम कहाँ पर जा सकते हैं.
जाके बच्चों को थोड़ा डर भी नहीं है, पानी बहुत ज्यादा आवेग से आ रहा है लेकिन तब भी आप देख सकते हो। और ठंडा, इतना ठंडा है कि हमने थोड़ी देर के लिए पैर के रखा, हमें बहुत ज्यादा डर लगी लेकिन तब भी देखिए यहाँ पे सब मेडिटेशन वगैरह भी करते हैं। ये देखिए बहुत अच्छी वाइब आ रही है। आप जब भी यहाँ ऋषिकेश जरूर आओ मानसून में, लोग डरते हैं पर बहुत अच्छा लगता है मानसून के टाइम पे, तो और भी अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स अभी हम घूम रहे थे परवार, तो और बताइए हमको कौन मिला। हमको मिले इंजॉय लाइक लोकल वाली जो ब्लॉगर है, वो मिली, उनका नाम मुझे बता दी है लेकिन मैं उनका चैनल काफ़ी देखती हूँ और वो अभी लाइव कर रही है इसलिए मेरे को डिस्टर्ब नहीं कर रही। अभी मैं यहाँ बैठी हूँ, मुझे उनसे मिलना है, होपफुली मैं उनसे मिल पाऊँगी। मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है पर देखती हूँ। अच्छा एक बार बताऊँ कि मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट ही उनको देख के भी की थी और ब्लॉगर्स को भी देख के की थी पर उनको देख के मुझे काफ़ी करेज मिला था। आप देख सकते हैं अभी भी वो लाइव कर रही हैं और उनको बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि लोग मुझे देख रहे हैं या कर रहे हैं, तो उनको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है और ये बात मुझे बहुत अच्छी लग रही है। और उसे ऐसा देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे और करना चाहिए। पहले मैं भी बहुत शर्माती थी लेकिन अब मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं कर सकूँ। अभी मैं आपको दिखाती हूँ उनको। देखिए ये है इंजॉय लाइक लोकल वाली मैम, मैम का नाम मुझे पता नहीं है लेकिन वो अभी लाइव कर रही है इसलिए मैं उनको डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ। मैंने उनका लाइव अभी उनके चैनल पर देखा है और अभी बहुत गंभीर विषय पर बात हो रही है तो अभी मैं उनको डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ। मैं वेट कर रही हूँ यहाँ पर कि जब वो आएंगे, अभी मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ। अगर वो होपफुली उनका जल्दी निपटे ताकि हम अभी आगे भी नहीं बढ़े ताकि हम उनसे मिल सके। तो जैसे उनका लाइव ख़त्म होगा मैं उनसे मिलूँगी होपफुली, बाकी देखते हैं। अगर क्या पता उनका लाइव लंबा चला तो हम निकलेंगे यहाँ से क्योंकि अभी हमें और भी काम है। देखिए और उनके अंदर कितना करेज है, मैं ये देख रही हूँ कि लोग बैठे हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है और मतलब लोगों ने लिटरली देख भी रहे हैं बहुत देर से जैसे हम देख रहे हैं लेकिन वो उनको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं है, वो अपना लाइव कर रही है आराम से आप लोगों के लिए, व्यूअर्स के लिए। और एक यूट्यूबर को ऐसा ही होना चाहिए और इनको देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, प्रेरणा मिल रही है सच में। देखिए यहाँ से परमार्थ दिख रहा है और परमार्थ की आरती स्टार्ट होने वाली है। आप भीड़ देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है, ये परमार्थ है और यहाँ पे आरती स्टार्ट होने वाली है। वैसे आरती यहाँ भी स्टार्ट होने वाली है। मैम से मीटअप हो गया साक्षी मैम से, बहुत बहुत अच्छा लगा। वो बहुत ज़्यादा हम्बल है, ऐसा लग रहा था मैं अपनी मतलब किसी बड़ी दीदी या किसी रिश्तेदार से बात करी। हमने बहुत देर तक बातें की, थोड़ा शर्मा जी को याद करके बुरा भी लगा क्योंकि उन सब से हम बहुत, मैं ना बहुत पहले से जुड़ी हुई हूँ तो बहुत बुरा लगा। उस टाइम पर भी जब शर्मा जी गए थे उस टाइम पर भी बहुत बुरा लगा था लेकिन अब क्या कर सकते हैं उसके लिए। लेकिन सच बताऊं आज बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। थैंक यू साक्षी मैम, अगर आप ये वीडियो देख रही हैं तो मैं आपको एक बार फिर कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं और आप ऐसे ही हमेशा स्ट्रांग रहिए और आपको देख के ही हमको और शक्ति मिलती है। यहाँ पे आरती है, चल रही है कि हो चुकी है पता नहीं लेकिन भीड़ है तो मैं आपको दिखाती हूँ।
बजरंगबली का भैया बजरंगबली का भैया बजरंगबली का लहर लहर लहराया रे जन्ना बजरंगबली का लहर लहर लहराया रे झंडा बजरंगबली का इस झंडे में क्या क्या गुण है इस झंडे में क्या क्या गुण है अरे बोलो क्या गुण है कहो क्या गुण है सीता का पता लगाया रे झंडा बजरंगबली का सीता का पता लगाया रे झंडा अभी हम प्रभात में हैं अभी बहुत रात हो गई है रात के 8 बजे और हमें घर जाके खाना बनाना है इसलिए हम खा यहाँ पे एक आंटी की शॉप मिली है ये आंटी है और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी बुक्स है भगवान की और जो जो आप पढ़ सकते हैं और ऐसा है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है जैसे मैंने ये वाली ली है कौन सी वाली मैंने हाँ अपने प्रभु को पहचाने और ये मुझे अच्छी लगी तो ये ओनली 10 रुपीज़ की है और इसी तरीके से यहाँ पे 10 रुपये और 20 रुपये और 30 रुपये में बहुत अच्छी अच्छी किताबें आपको बड़े बड़े स्टोर में जाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे है ये शॉप आपको दिख जाएगी आप इधर से आएंगे तो प्लीज़ आप विज़िट करें और यहीं से बुक ले मैं आपको कहूँगी ठीक है थैंक यू आंटी लेट हो गई है 8:30 हो गए ना दीदी हम घर भाग रहे हैं।